हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल जोन व्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक विंटर स्किन केयर रेमेडी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि जब ठंड में मौसम चेंज होता है, हवाएं चलना शुरू होती हैं, तो बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फटी फटी सी हो जाती है। तो उसी के लिए एक मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और मैं दिखा देती हूँ कि मुझे ये रेमेडी बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसे बनाने के लिए ये ग्रिसलिन की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने ग्रिसलिन ले लिया है, और ये गुलाब जल है, ये एक लेमन इस तरह से, और ये विटामिन ए की कैप्सूल ये इस तरह से, ये स्किन वाली विटामिन ए की कैप्सूल है। हेयर की अलग आती है, और अगर आपको इस तरह से विटामिन ए की कैप्सूल ना मिल पाए, वैसे तो ये कॉस्मेटिक की दुकान पे इजीली अवेलेबल होती है, अगर नहीं मिल पाती है तो आप जो है मेडिकल स्टोर पर भी जा करके पत्ते में आती है ग्रीन कलर की विटामिन ए की कैप्सूल, उसे भी ले सकते हैं। वो भी जो है बराबर काम करेगी आपकी बॉडी पर। तो इसे बनाने के लिए, और ये मेरे पास एक गुलाब जल की बड़ी शीशी पहले से है, तो इसमें कुछ गुलाब जल कम था, तो इसलिए मैंने एक छोटी शीशी ले ली। इसी में मैं इसे बनाऊंगी, तो इस तरह से मैं एक शीशी ले लूँगी, और इसमें जो है ये इस तरह से इसमें मैं ये गुलाब जल ऐड कर दूँगी। और ये जो ग्रिसलिन है इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, पूरी जितनी है ग्रिसलिन पूरी इसमें ऐड कर दूँगी, ऐड कर दी है। और उसके बाद ये जो विटामिन ए की कैप्सूल है इसको मैं इसमें कट करके ऐड कर दूंगी, दोनों कैप्सूल। मानिए अगर आप इसे यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे, तो आपको किसी भी तरह का महंगा बॉडी लोशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉडी लोशन से भी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है आपकी बॉडी को और मॉइस्चर देता है। तो ये बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और अच्छा बॉडी मॉइस्चर है एक तरह से। उसके बाद ये एक लेमन लूँगी और इसको भी कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। सारी चीज़ों को इस तरह से ऐड करने के बाद इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसे अच्छे से शेक कर लूँगी, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, इसमें सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, और इसको आप जो है कम से कम सुबह से लेकर रात तक में दो बार अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे आप अपने फेस पे, हाथ पैर, हर जगह मतलब कि लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी। इसको लगा करके ऐसे हल्का सा मसाज कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। आप सुबह नहाने के बाद भी इसे लगा सकते हैं, और रात में सोने से पहले भी इसे लगा सकते हैं। इसको ऐसे यूज़ करने से आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और फटी फटी सी नहीं महसूस होगी हवा की वजह से। और ये हर स्किन टाइप वालों के लिए जो है सूटेबल है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, हर स्किन वालों के लिए वो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसे मैं अब अपने हाथ में भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी नहाई और मैंने अपने फेस पे और हाथ वगैरह पे कुछ भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और लगा भी लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ले करके मैं अपने हाथों में भी इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अगर आप इसको सुबह में और रात में सोने के पहले लगा के सोते हैं और सुबह उन्होंने पानी से नहा लेते हैं, तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने ये बताया आपको कि ये कैसे बनेगा, मगर मैंने ये नहीं बताया कि जो मैंने प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए हैं वो कैसे आपके स्किन के लिए यूज़फुल है। तो आप वो भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसी किसी की बातों में आकर के आप अपनी स्किन के साथ या अपने बॉडी के साथ या अपनी सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। ग्रिसलिन के यूज से आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और शाइनी होगी, और प्लस आपकी स्किन का टोन भी जो है चेंज होगा। अगर जैसे आपका स्किन टोन धूप से डार्क हो गया है, तो वो भी जो है नॉर्मल हो जाएगा।
तो और जो आपके अगर इस बॉडी में या स्किन में किसी प्रकार की डिजीज़ है या किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई है, इचिंग वगैरह कुछ भी हो रही है मौसम चेंज होने की वजह से, तो उसे भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ग्रिसलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। गुलाब जल हमारे स्किन में निखार लाता है और हमारे स्किन के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। और कील मुहासे हो गए, अगर आपके चेहरे पे या झुर्रियाँ पड़ गई या डार्क सर्कल हो गया, स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है अगर, तो इस उसे ये दूर करता है। गुलाब जल काफ़ी हद तक जो है इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्पफुल होता है गुलाब जल। और जो मैंने ये लेमन यूज़ किया है, तो लेमन हर कोई जानता है कि ये विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। इसके यूज़ से हमारी स्किन का टोन जो है लाइट होता है, स्किन फेयर होती है और चमक आती है स्किन में, क्योंकि विटामिन सी का काम ही है आपके स्किन टोन को जो है लाइट करना और दाग धब्बों को मिटाना। इसके यूज़ से जो फेस पे अगर आपके कील मुहासे के दाग है तो वो भी काफ़ी हद तक जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि मानी सी बात है कि जब मेरा स्किन फेयर होगा तो दाग धब्बे अपने आप को छुप जाएंगे। तो इस तरह से नींबू जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और विटामिन ई की कैप्सूल जो मैंने इसमें यूज़ की है, वो जो है हमारे बॉडी से जो मॉइस्चर गायब हो जाता है उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है, मतलब हमारी रूखी त्वचा को दूर करने में हेल्पफुल होती है विटामिन ई की कैप्सूल। तो इसलिए मैंने इसमें विटामिन ए की कैप्सूल किया है। तो इस तरह से मैंने जो भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए हैं वो सारे ही हमारे बॉडी और स्किन के लिए, फेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप अगर इसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडी आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रही। तो ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ऑल जोन ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।